इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ पर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामले पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटना डीएम को 15 मिनट के भीतर कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर 2 दिनों का स्टे लगा दिया है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर के वकील राजीव नगर पहुंच चुके हैं। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर इलाके में 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के जिला प्रशासन की कार्रवाई अगले 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। सोमवार को दोपहर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे ऑर्डर लेकर के अधिवक्ता खुद वहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले में 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें जिला प्रशासन नेपाली नगर किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बता दें कि राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में पिछले 2 दिनों से अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने का काम चल रहा था। इस दौरान भारी बवाल भी देखने को मिला। जिला प्रशासन ने नेपाली नगर के 40 एकड़ जमीन में बने मकान को अवैध बता दिया था। रविवार की सुबह से ही प्रशासन की टीम मकानों को ध्वस्त करने में लगी हुई थी। इस दौरान प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी भी हुआ, लोगों को विरोध भी करना पड़ा और यहां तक कि प्रशासन के लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा। पत्थरबाजी हुई, ईंट पत्थर चले। जिला प्रशासन ने आज नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दे दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर फिलहाल नेपाली नगर में मकानों को तोड़ने का काम रोक दिया गया है। बता दें कि सरकार काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन के कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करा चुकी थी। इस मामले में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए।